भिलाई के भीलवा तालाब से शुरू स्वच्छता पखवाड़े का अभियान आज भिलाई के निगम कार्यालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने निगम परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिए जन जागरूकता अभियान के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के समापन अवसर पर भिलाई निगम कार्यालय में आयोजन किया गया। इस मौके पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने जन जागरूकता में शामिल होकर स्वच्छता का संदेश दिया। कचड़े से बना हुआ जो है सामान, अच्छा उसको आपने वो किया, तो इसको ना इसके लिए हमको ना मोहल्ले मोहल्ले में हमको एक जागरूकता का वो करना चाहिए। स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत भिलाई के भेलवा तालाब से 17 सितंबर से शुरू हुई थी और आज 2 अक्टूबर को नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में समापन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर किए गए विभिन्न जन जागरूकता अभियान के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अवतरण दिवस पर विधायक रिकेश सेन, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, MIC सदस्य लक्ष्मीपति राजू, चंद्रशेखर गवई, लाल चंद वर्मा, पार्षदगण, आयुक्त बजरंग दुबे, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभी ने महापुरुषों द्वारा दिए गए जन उपयोगी संदेशों को याद किया। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से आप लोगों ने जनता को जगाने का काम किया है, अगले मीटिंग में भिलाई नगर निगम भी अव्वल आ सकता है और उसके लिए। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देते समय विधायक रिकेश सेन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के प्रति हर भारतवासी को जागरूक कर दिया है। पहले घरों से निकलने वाले कचरों को हम सब नालियों में या इधर उधर फेंका कर दिया करते थे और गंदगी फैलाया करते थे, पर अब नहीं करते, हमारे बच्चे ही उन्हें आगाह करते हैं। स्वच्छता लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक हम इंदौर नगर निगम के समान भिलाई नगर निगम नंबर 1 नहीं बन जाता तब तक सफाई की ज्योत जलाए रखेंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।